पागल मेरे पाँव कट जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं अभी कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस मैं आया था ड्यूटी से खाना खाने और अभी जा रहा हूँ मैं ड्यूटी में वापस। तो आज मैं जाने वाला हूँ बुध बाजार में और वहाँ लगाने वाला हूँ, वहाँ बेचने वाला हूँ मैं सिम। तो अभी चल रहा हूँ मैं और यहाँ सब लोग सो रहे हैं, ये तो फोन देख रही है और ये सुबह बाहर आंगनबाड़ी में बैठी हुई है और ये देख सकते हैं गाइस ये कैसी सोती है, कैसे सोई इतनी गर्मी होगी। और देखो गाइस ये और ये दोनों जने यहाँ सोए हुए हैं, ऐसे ही नीचे पड़े हुए हैं और हमारा डॉगी भी ऐसे ही नीचे कहीं पड़ा होगा, पता नहीं कहाँ पड़ा है। और ईशु बगल में आंगनबाड़ी में बैठी हुई है, इसे मानसी जा तो और मानसी दुकान को जा रही है, आज दुकान बंद की थी हमने, दिन में बहुत धूप हो रही थी। मानसी जल्दी जा, गाइस बड़ी मुश्किल से मानसी उठ चुकी है और दुकान जाने के लिए हो चुकी है रेडी। तो ये दुकान को जा रही है और मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी को। छाता तो पहले से ही टांग है इसमें, मैं चलता हूँ सीधे बाजार को। तो गाइस आ चुका हूँ बाजार में और यहाँ तो अभी इतने ही लोग लगे हैं तो यहीं पे लगा लेता हूँ रोड के किनारे से, बहुत कम लोग हैं तो यहाँ रोड के किनारे यहीं पे लगा लेता हूँ अपना छत्ता और यहीं पे बैठे रहूँगा। देखो अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ लगभग, फिर तो बहुत भीड़ हो जाती है, जल्दी लगा देता हूँ। निकल चुकी है मेरी छाता और अंदर लगाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लगा दिया मैंने बाजार के अंदर। यहाँ पे है गेट और मैंने आते ही गेट के पहले एक दुकान लगी, उसके बाद मैंने इधर को इतने लोग लग चुके हैं अभी, अभी तो कमी भीड़ है, अभी शाम होने तक बहुत भीड़ हो जाती है। हो चुका है अंधेरा और बाजार भी लग चुकी है। सब लोग मुझे मिलने आ चुके, ये एक बार को गोरा खिला दो साइकिल में, कौन अभी साइकिल के टायर का बच्चा हो गए लोग, तो मैं पीछे ही छोड़ में पीछे के पास ही चलाई, तभी तो इतना पसीना आ रहा है बेचारे को भाई। ये गाइस ये आ चुके हैं यहाँ गाइस, अब ये चले जाएंगे घर को। एक खिला दो ना पानी मिल गया मुझे, बर्फ का घोले के लिए पैसे नहीं है, मान जी तेरे पास भी नहीं है, फोकट के आए थे हम लोग सब यहाँ अपनी सिम पोर्ट करवा लो। अच्छा बहुत लेट आया तू, तो गाइस ये चले जी गए हैं और ये घर से चला गए। तो गाइस ये जा रहे हैं, जाओ एक और खिला दे, बाय पकौड़ी दे तो चले गए हैं और मैं बैठता हूँ थोड़ी देर और अभी चलूँगा थोड़ी देर में। तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ घर, ये दुकान में आया हूँ और ये बैठी है यहाँ, ये पढ़ाई कर रही है और मेरा छत्ता हत्ता सारी चीज़ें ला गया। तो थोड़ी देर दुकान में बैठते हैं और अभी चलते हैं घर को, देखता हूँ यहाँ कोई कस्टमर आते हैं तो सिम के, दुकान बंद कर दी है और चलते हैं घर को। तो गाइस बंद कर दिए, चलते हैं घर को। लेके जाओ। हाँ तू हाथों दिए और गाड़ी का तेल हो चुका है ख़त्म, तो अभी लेने भी जाना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं जाना है, तो हम आज जाएंगे साइकिल में अगर जाने में पड़ेगा तो, क्योंकि मामा भी नहीं आए हैं, बुलेट भी नहीं है, वरना बुलेट में ले आते, तो साइकिल में लाना पड़ेगा अगर अभी भेजते हैं तो, देखते हैं क्या होता है। और आ चुके हैं घर, क्या ईशु बना रही है रोटी,
हम तेल लेने जा रहे थे और हम तेल ले आते हैं फटाफट। हम चले जाके आते हैं तेल लेने। चलो चलो चलो, और यहाँ ठंडी ठंडी हवा में बैठे हैं सब लोग और हम लेके आते हैं तेल। ये कह रही मैं चलाऊंगी साइकिल, तो इसके तो पानी नहीं पहुँच रहे नीचे, पता चला कहीं भी गिरा दिया। तो देखते हैं गाइस कैसे ले जाती है। ये देखो बड़ी मुश्किल से तो रोक पा रही है, कहीं पर ब्रेक भी मारना होता तो बड़ी मुश्किल से मार रही है। मैं ही चला रहा हूँ, हट हट तो यार, कहाँ जा रही है? मानसून की नौटिंग कर दी है। अरे तो गाइस आज स्कूटी से हम पैदल हो चुके हैं और जाना पड़ रहा है साइकिल में। बैठ गया पक्का? हाँ चल। ओ मम्मी मैं गिरा, मुझे डर लग, मानसी मानसी मुझे आती है चलानी, क्या कर रहे हो गाइस? डर तो बहुत लग रही है इसमें। क्या कर रही है? आराम से चला मानसी, आराम से चला, मैं गिर जाऊंगा, मेरे पास बोतल भी है। आराम से चला, वो मर गया रे, मर गया वो जो मम्मी। ए पागल, मेरे पाँव कट जाएंगे। अरे आराम से चला मानसी, आराम से चला, क्या कर रही है? मेरे मार दिए, आप मर गई तुझे। इस बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मैं चलाऊंगा। अच्छा, मैं इसके साथ बहुत डर लग रही है पूजा। ओ, मेरे तो बम सेक दिए इसने, चला चला तो मर गया गाइस। इसने मुझे इतने बड़े बड़े गड्ढे से लाई है कि बता नहीं सकता। अब मैं तो गद्दी में बैठी, मैं यहाँ बैठा हूँ। ओ माय गॉड, अब तो मैं ही चलाऊंगा ऊपर आते। पेट्रोल पंप बंद हो गया गाइस, मर गए रे आज, मर गए। अब मैं चलाऊंगा पूजा। इसने इतना तो इतनी डर लग रही थी जान, और आधे से ज़्यादा तो इसने मेरे बम से इतने बड़े बड़े गड्ढे से लागे। तो चलते हैं पेट्रोल पम्प, यहाँ वाला ऊपर वाला तो बंद हो चुका है, हम नीचे से कैसे कैसे लाऊंगा इस भैंस जैसी को। मैं नोटिंग मत कर, पकड़ रहा तो गाइस कैसे ले आऊँगा इसे ऊपर को, नीचे को तो ये लागे इतना, अब ऊपर को कैसे ले जाऊँगा देखते हैं। गाइस साइकिल चलाने में मज़ा तो आ रहा नीचे को, पर ऊपर को कैसे आएंगे देखते हैं। अभी पेट्रोल ले लिया है और चलते घर को। यहाँ लाते लाते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और अब थोड़ा ही बचा है, तो अब यहाँ से मानसी ले जाएगी। पर इसके साथ डर भी तो लग रही है, दुनिया को पता है कितना बचा है, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। पीछे से गाड़ी आ रही है, वो भी बस। चल थोड़ा जल्दी चल, जा मम्मी मर गया, क्या कर रहा? तो क्या करो, तूने पैर के पीछे इतना अच्छा बैलेंस बना था, इसके अंदर रुक गया, पागल है, यहीं से चल, यहीं से। बहुत उल्टा बैठ चुका हूँ, उल्टा बैठ के तो बहुत आफत आ रही थी, अब देखते हैं। बहुत डर भी लग रही है इसके साथ, घर पहुंच जाए बस। आज के बाद कभी साइकिल में नहीं आऊंगा इसके साथ। वैसे चला तो अच्छी रही है, पर अभी तो बहुत डर लग रहा था। अब तो थोड़ा मैं सही हो चुका हूँ, ये जब भी खड़ी हो रही मान से फिर वही मत हिला मत हिला, मर गया, गिर गया। गाइस पहुंच चुके हैं घर अभी अभी, तो लास्ट में फिर मुझे ही चलानी पड़ी साइकिल। ओह तो बहुत डर भी लगा और बहुत तकलीफ, और जितना मजा भी बहुत आया ना। ये देखो ये कैसी हो चुकी है। तो मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ, जींस वींस, उसके बाद खाना खाते हैं। लाइट जा चुकी है और खाना लग चुका है, तो खाना खाते हैं उसके बाद सोते हैं हम भी। लाइट तो जा चुकी है और ये लोग सोने वाले हैं, और हमारा भी बिस्तर लग चुका है, तो हम भी सोते हैं। हम भी सोते हैं और लाइट पता नहीं कब तक आएगी, बहुत गर्म हो रहा है, तो ऐसे ही सोते हैं, अभी आई जाएगी शायद। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।